प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों में प्लास्टिक की बोतलों व सामान पर बैन लगाने जाने के चलते हमीरपुर जिला के 9वीं कक्षा के बच्चों को इको फ्रेंडली स्टील की बोतलें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसके लिए शिक्षा उपनिदेशक सेकेंडरी के कार्यालय में बोतलों की सप्लाई पहुंच चुकी है। इसमें पर बच्चों को ये बोतलें उपलब्ध हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने भी तुरंत इनकी सप्लाई ब्लॉकों में करवानी शुरू कर दी है। शिक्षा उपनिदेशक सेकेंडरी दिलवरजीत चंद्र के अनुसार इको फ्रेंडली बोतलें केवल 9वीं कक्षा के छात्रों को ही दी जा रही हैं और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इन बोतलों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। हमीरपुर शिक्षा उपनिदेशक सेकेंडरी दिलवरजीत चंद्र ने बताया कि 9वीं कक्षा के बच्चों को स्टील की बोतलें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इन बोतलों को ब्लॉक स्तर पर भिजवाया गया है ताकि जल्द बोतलों को बच्चों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के फैसले के बाद ही बच्चों को स्टील की बोतलें दी जा रही हैं। 9th क्लास के बच्चों को जो प्रोसेस स्टील की बॉटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन का है सरकार की तरफ से, वो सेशन के आरंभ से ही चला हुआ है। तो अभी कंपनी की तरफ से जो बॉटल्स हमारे पास यहाँ पहुँची थी, तो हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से अभी हमने इनको ब्लॉक लेवल के जो हमारे बीपीओ हैं उनके पास पहुँचाने का प्रयास किया है। फर्दर जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आएंगी उनके अनुसार फिर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। हमारे यहाँ से ब्लॉक लेवल तक पहुँचाने की, क्योंकि हमारे पास कुछ स्कूलों के इंसिनरेटर जो सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर हैं वो सामान भी पहुँचा है। तो ये प्रोसेस है जो मटेरियल स्कूलों तक या डिस्ट्रीब्यूशन उसकी आगे होनी है, तो अभी हमने इनको ब्लॉक लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को प्लास्टिक की बोतलें बैन लगाते हुए स्टील की बोतलें मुहैया करवाई जा रही हैं। इसी के चलते हमीरपुर जिला में स्टील की बोतलें उपलब्ध करवाई जाएंगी।